सर का मैं सबसे पहले तो आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ जो आपने समय निकाला और अपने भाई को सहयोग और आशीर्वाद दिया, मैं आप लोगों का धन्यवाद करता हूँ। और हमारे युवा साथी जो हमारे संघर्ष के साथी हैं, आज आपने कोई ना कोई मेसी को रैली या उसके लिए नहीं, आपने कुछ छोटी सी बेटी बुलाई थी अपने साथ। और दरोगा जी, मैं आपको एक चीज बता दूं, प्रोग्राम तो सिर्फ और सिर्फ ये कंट्री हमारे पास या जो साथी है इनका अगर प्रोग्राम अगर हम रैली करेंगे तो दिन आप लोगों का आशीर्वाद रहा और रैली भी कर करेंगे। पर मैं आज जो हमारा मेन मकसद था मीटिंग करने का और मीडिया के साथ के साथ में मेरी कोशिश रहेगी कि मैं तीन चार महीने भी निकल चाहे ना इस कैमरा मन का भाइयों के साथ चाहे भी। और आज हमारी जो जन क्रांति यात्रा 12 तारीख से भैंदरगढ़ से जो शुरुआत होगी, आदरणीय चौधरी भूपिंदर सिंह हुड्डा जी और आदरणीय भाई देवेंद्र हुड्डा जी के नेतृत्व में हमारे जिस ऊंचे माना से शुरू ऊंचे होटल से लो, होटल के बाद पानीपत लो, पानीपत के बाद पुराना लो, पुराना के बाद तोहाना लो और आप भैंदरगढ़ जाए। लोगों में बहुत उत्साह है और लोगों की आंखें ये बता रही है कि आप कहते हैं बीजेपी वाले कह रहे थे और बहुत बड़ी महंगाई की बात अब की बात मोदी सरकार, तो लोगों ने इस बात को कांड नहीं किया। हरियाणा की जनता एक ही बात कहती है कि बहुत हुई महंगाई की बात अब की बात हुड्डा सरकार। तो आपको भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी चीफ मिनिस्टर बनके इस प्रदेश की सेवा करेंगे। पर मैं नौजवान साथियों से बात करना चाह रहा हूं कि जब तक हमारा इलाका जिला झज्जर रोहतक और सोनीपत एक साथ इकट्ठा होकर चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ नहीं खड़ा होगा, जब तक हम इस लड़ाई में जीत नहीं सकते। क्योंकि आज आपने पता है प्रदेश के अंदर चाहे चौटाला है चाहे बीजेपी है, ये एक थाले के दो पहलू। एक तरफ एसवाई की बात करते हैं, पानी लड़ने की बात करते हैं, मैं भी पूछना चाहता हूं ओम प्रकाश चौटाला जी के बेटे अभय सिंह चौटाला जी से, तुम्हारी बीजेपी के साथ समझौता था जब सेंटर में गवर्नमेंट तुम्हारी थी और तुम्हारे लगोटिया यार बादल साहब की गवर्नमेंट की थी, हरियाणा में आपकी गवर्नमेंट थी, मैं पूछना चाहता हूं आपको नहीं लेकर है तुम इस घड़िया की आज सुख पाने की जुट रही है। आज प्रदेश की जनता ये जान चुकी कि भाई हमारा भला हरियाणा का भला एक आदमी कर सकता और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी। हमने सबने सारे साथियों ने 12 तारीख के लिए हम ये चाहते हैं कि हमारी संख्या किसी हल्के से कम ना हो। और मैं तो कहता हूं जिला भी जिला झज्जर की जो संख्या है वो किसी क्षेत्र में भी हमारी कम ना रहे, क्योंकि हम ताकत देंगे तभी हमारा नेता मुख्यमंत्री बन सकता है। और मेरी तो सभी से ये विनती है, आज मैं मीडिया के साथ ही यहां आ बैठे दरोगा जी ने बात की, मैं आपके बीच से एक बात करना चाहता था और बिल्कुल क्लियर बात करना चाहता था कि मैं ना किसी सेंटर के टिकट का दूंगा ना मैं किसी करोड़ का, मैं मेरे अंदर सबसे बड़ा आशीर्वाद भगवान का और मेरे भाइयों का और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और नितेंद्र हुड्डा इनके अलावा मैं किसी के पास ना टिकट मांग जाऊं और ना मैं गया, रिश्ते मेरे सभी से वो एक अलग बात है। मैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ हूं भाई, मैं परिस्थिति थी इलेक्शन लड़ने की तब वो मैंने हुड्डा साहब को साफ मुझसे कह दिया था कि अगर आप किसी को तो मेरी विशेष बात थी पर मैं जीऊंगा जब तक मेरी कभी को मेरे भाई कल मीडिया जो रख भी लेना मैं जीऊंगा जब तक मैं राजनीति नहीं छोड़ सकता हूं और मैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा और नितेंद्र हुड्डा को मैं नहीं छोड़ सकता। राजनीतिक स्वार्थ मेरा राजनीतिक स्वार्थ हो सकता है, मेरा एमएलए बनने का स्वार्थ हो पर नहीं, एक एमएलए मैं बन के इस हल्के लिए इस प्रदेश की कुछ नहीं कर सकता। अगर मैं एमएलए बनू
पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी इससे बनता है तो उसके लिए जितनी बड़ी कुर्बानी करी हूँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा का ये कहेगा कि मैं कल आपकी कुर्बानी करी तो सबसे पहले उस कुर्बानी को मैं कोई सोच नहीं है ना मेरी किसी से लड़ाई है, मेरी लड़ाई थी वो वही खत्म हो चुकी। हाँ टिकट बांधने का सबका अधिकार है, जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा करेगा मैंने वो मंजूर है। अगर हुड्डा साहब में मेरे साथ चपड़ साथी लगेगा तो मैं उसके साथ भी खड़ा होकर उनकी मदद करूंगा, ना कि मैं अपने स्वार्थ की कोई राजनीति करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और फिर हमारे वही समय हमारा यहाँ आए, हमारे इलाके में हमारे हरियाणा नंबर वन बने। आज हमारा हरियाणा नंबर वन है पूरे हरियाणा में। एक आदमी ये बता रहा हूँ कि आपने 10 साल में किसी आदमी की करोड़ काटी हो, किसी के मकान गिरवाए हो, किसी को जेल में गिरा हो, 12 मुकदमे दर्ज झूठे ओम प्रकाश चौपड़ा के आनंदपुर में थे। एजुकेशन कहीं हो रहा है, हरियाणा बंद था, कई रोड जाम हुए, ठीक है कोई आवेदन नहीं, कुछ नहीं, हमारे मुकदमे दर्ज करा दिए। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने नहीं करवाया। भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बात चाहता है क्योंकि भाईचारा सदा कायम रहे और विकास की तरफ हरियाणा प्रदेश चल रहा है। तो भाई मेरी रोजमर्रा साथियों से ये रीति है भाई, इनको सारे पहले नाश्ता करेंगे और भाई कोई भाई सुझाव देना चाहता हो सुझाव भी देना। और की जो राजनीतिक चल रही है, जो प्रदेश में जो बीजेपी की गवर्नमेंट चल रही है, इसको उतार फेंकना है तो सारे साथियों में एक होंगे और भाई जन क्रांति यात्रा में जहां जहां हुड्डा साहब हमारी ड्यूटी लगाएंगे वहाँ सारे भाई सारे से जुड़ के चलेंगे और हुड्डा साहब की मदद नहीं, हम अपने इलाके की अपने प्रदेश की मदद कर रहे हैं। नाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी नहीं त्योगाली आपने चिंता नहीं, मैं आपको बता दू मैं हुड्डा साहब का साथी इसलिए हूँ कि हुड्डा साहब ने 10 साल हरियाणा विकास किए और मेरे इलाके में सबसे ज्यादा विकास किए। इसलिए मीडिया के साथी बैठे मैं साथ उनकी सुबह यहाँ शाम में वहां मैं 25 साल का मेरा राजनीतिक करियर है, हुड्डा साहब के साथ किया था और अंत भी सीजन के रूप में हुड्डा साहब के साथ है। इसके दोस्त मैं जिन शक्ति को तस्वीर दिखाऊंगा तो उस दिन आपको जरूर रिक्वेस्ट करूंगा, पर छोटे भाई के नाते से मीडिया के नाते मैं भाई के नाते से भी शक्ति प्रदर्शन, अगर यही शक्ति प्रदर्शन होगा तो मैं राजनीतिक नहीं कर पाऊंगा। मैं शक्ति प्रदर्शन दिखाऊंगा उस दिन आपको होगा कि हाँ इसे शक्ति प्रदर्शन कहते हैं। मैंने शक्ति प्रदर्शन दिखाया था जिसमें 2013 में आप शायद उससे पहले आपके संपर्क नहीं थे, यहाँ हमारे भाटे साहब थे, पलाव साहब थे, जिसमें मोदी की रैली रिवाड़ी के अंदर थी, हमारी रैली सुरैती के अंदर थी, उदय साहब ने जनता के ऊपर शक्ति प्रदर्शन उसे कहते हुए निभाना। दूसरा आपने कहा कि चंद्रशेखर पहलवान मैं कांग्रेस पार्टी में शुरू से और आज भी मैं कांग्रेस पार्टी और हुड्डा साहब ने ना मेरे को कोई इशारा दिया, मेरी खुद की एक सलाह दी कि अगर नरेश को टिकट मिलती कलियर कहता तो मैं इलेक्शन लड़ूंगा हुड्डा साहब पक्का, नरेश के अलावा आप किसी को टिकट नहीं लड़ा मैं ठीक, क्योंकि हमारा आपस में डिस्प्यूट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और अगर हमारा नरेश भाई पार्टी का हमारा भाई टिकट हर आदमी मांगता है, आज मेरे को सब टिकट मांगते हैं, मैं सबको घूमना सुखाऊंगा झगड़े करूंगा, तो वो सिर्फ इस वजह से मेरे ना हुड्डा साहब ने कोई इशारा दिया ना मैं हुड्डा साहब ने मेरे से ये कहा तो ये रेस्लर। हाँ हुड्डा साहब ने ये जरूर कहा था मैं टिकट तेरे को दूंगा, कई कारण मजबूरी हुई जो सीटिंग रेटिंग का चक्कर हुआ इसकी वजह से टिकट कर ली, तो मैं अपनी मर्जी से रेस्ट लड़ा था और हुड्डा साहब ने कोई इशारा नहीं दिया, ये लोगों की बिल्कुल झूठ है भूल है कि हुड्डा साहब ने कोई इशारा दिया। तीसरा आपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा वाला राजनीतिक महत्वाकांक्षा देखिये मैं आपको बता दूं जिला पार्षद भी और मैं एक समाज सेवी में मेरी भूमिका रहती है, मैं दिखाता नहीं तो मैं समाज में नीचे तरीके से मैं बहुत एक्टिव रहता हूँ और वो कई लोग आगे युग जिन लोगों को ये पता लग जाता है कि कुलदीप वर्ष कहते जान लोग ले जाएगा तो मेरे से थोड़ी अलग पर मेरी वृत्ति का अलग है, मैं दिखा के नहीं आपकी वृत्ति अलग से कर रहा हूँ। बेहतर बात सा ये है कि अगर लोगों ने मौका दिया मैं तीन चीजों की बेचती हूँ मेरे पास है मेरी बिजली मेरी भैया और मेरी ईमानदारी मेरी वफादारी, मैं लोगों को अपनी ईमानदारी से वफादारी से लोगों के काम करूंगा इज्जत दूर करूंगा। जहां बात आती है कई नेता अपनी चर्चा के लिए चिंता मेरी कमी है, मैं उस कमी को अपनी कमी मानता हूँ, मेरा अंदर चापलूसी और चर्चा नहीं। आप कभी देखते हो एहतजाब भी आते हैं तो
तो मैं जनता के साथ दूर हो जाता हूँ, क्योंकि जब लोग हमारे साथ चलते हैं तो आप तो वो साथ रहते हैं, गाड़ी में साथ रहते हैं, तो उन्होंने क्या गुणा करते हैं लोगों के लिए। तो मेरी सोच ये है कि आम जनता को नेता से मिलना चाहिए, आम जनता से जुड़े और सबको पता क्यों नहीं वो गरीब दशा, बिल्कुल गरीब दशा देश की ईमानदारी से सेवा की है तो गरीब है। आज धनखड़ साहब दो दिन चारों हाथों से नहीं सो स्वार्थों से अभी हम तो गरीब है और दशा गरीब है, ये तो 10 साल प्रदेश की ईमानदारी से सेवा की से वो गरीब है और आज 4 साल से तो दूर कर सकते। डॉक्टर साहब आपने चुनाव लड़ा, पिछला निर्दलीय चुनाव लड़ा, बाद में लड़के में आज तक किसी भी निर्दलीय ने इतने मत प्राप्त नहीं किया, अपने रिकॉर्ड मत प्राप्त किए हैं, अगला चुनाव लड़ने की आप घोषणा कर रहे हैं, किस पार्टी से लड़े हैं? मैंने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी, मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ, कांग्रेस पार्टी में जिस भी साथ में भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस पार्टी टिकट देगी मैं उसके साथ मेरे टिकट देगी मैंने। उनका सवाल पिछले चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने आपको 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया था, उसके बाद भी उनका सवाल दूसरा है। सवाल ये है कि अगर कांग्रेस पार्टी में भी विभाजन होता है किसी कारणों से हुड्डा साहब पार्टी बदल देते हैं तो क्या कांग्रेस में ही रहेंगे? हुड्डा साहब के साथ मैंने क्लियर कह दिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा जिंदाबाद 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 मोदी के साथ नहीं थी और इसका अंत भी पंडित जी मैं एक बात कहूँ जी मैं वो नहीं लौटा देखिए पत्रकार वार्ता का मतलब टू बी वेरी फ्रेंकली और आपने आज अपना मंशा बिल्कुल क्लियर किया। हम सिर्फ ये जानना चाहते हैं आपने घोषणा किया आप चुनाव अवश्य लड़ेंगे, किस पार्टी से लड़ेंगे? आपने कहा भूपेंद्र हुड्डा के आशीर्वाद से लड़ेंगे, कांग्रेस पार्टी से लड़ेंगे। मैंने ये कहा कि कांग्रेस पार्टी और भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी जिसे भी टिकट देंगे चाहे मेरे को तो मैं लड़ूंगा और किसी और को देंगे तो मैं उसका समर्थन करूंगा। ये कहा रही बात ये और का सवाल उसकी बात छोड़ दो। अरे भाई भूपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस में है और कांग्रेस से चीफ मिनिस्टर बनेगा तो दिमाग से निकाल रहेगा निकाला जो लोगों को प्रचार करते होता है टिकट क्यों मिली उसकी क्यों जरूरत है। मैं कांग्रेस में हूँ, कांग्रेस ही रहूंगा, नई बात 6 साल तक निकालने वाले आज आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा का आशीर्वाद मेरे उसके पैर मानता भाइयों का। मैं ना 6 साल के लिए था ना 6 दिन के लिए था और ना 6 महीने के लिए था, मैं कांग्रेस में हूँ नहीं हो तो किसी भाई के सदस्य। अगर आपकी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं थी तो अपनी कांग्रेस पार्टी के समक्ष ही आपने इलेक्शन लड़ा। मेरा तीसरा सवाल बड़ी गौर से सुनिएगा, क्या डॉक्टर कुलदीप वत्स भी उसी खबर में तो नहीं फंस गए हैं जैसा बेरी विधानसभा में हुआ डॉक्टर रघुवीर कादियान कांग्रेस डॉक्टर रघुवीर सिंह कादियान कांग्रेस से टिकट लड़ते उधर से इशारा किया जाता चेतन सिंह को, क्या डॉक्टर कुलदीप वत्स भी इसी खबर में तो नहीं फंस रहे कि कांग्रेस की टिकट किसी और को और कुलदीप वत्स जी को इशारा कर दिया जाता है, इस खबर से आप कैसे बात पाएंगे? लेकिन मैं आपकी बात पहली बात जो बात है सिर्फ और सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा के साथ मेरी ऐसा होता है और कांग्रेस नहीं